अपने क्षेत्र हरिहरगंज में सरकार से मांग किए हैं कि बिहार राज्य के सीमा से अवस्थित पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखंड के 30 किलोमीटर की परिधि में डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण यहाँ के आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े छात्र छात्राएं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय भी हमारे पलामू कमिश्नरी के हैं, गढ़वा से आते हैं, जिसका कि जवाब दे रहे हैं। हमारा क्षेत्र हरिहरगंज को अच्छी तरीके से जानते हैं। हरिहरगंज नक्सल प्रभावित क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, और बिहार बॉर्डर से लगा हुआ है। यहाँ पर जवाब भी आया है कि डाल्टेनगंज में GLA कॉलेज, YMS कॉलेज, जनता शिवरात्रि, ये सब कॉलेज का वर्णन दिए हैं, पाकी का भी वर्णन दिए हैं, विश्रामपुर का भी, हमारा हुसैनाबाद AK सिंह डिग्री कॉलेज का भी है। अध्यक्ष महोदय, हुसैनाबाद डिग्री कॉलेज की दूरी 60 किलोमीटर है, हमारा डाल्टेनगंज का दूरी जो है 80-85 किलोमीटर है। अब आप अध्यक्ष महोदय खुद महसूस कर सकते हैं कि वहाँ की बच्चियाँ इतना दूर कैसे जा सकते हैं। बिहार बॉर्डर है, वहाँ पर जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम तो सरकार का जवाब भी आया है अध्यक्ष महोदय कि 2022 तक वैसे विधानसभा क्षेत्र जहाँ निर्भूत महाविद्यालय नहीं है, मैं चरणबद्ध तरीके से महाविद्यालय खोलने का स्वीकृति प्रदान की गई है। पलामू जिले में अंगीभूत महाविद्यालय, GLA कॉलेज, ये सब डाल्टेनगंज का जिक्र है अध्यक्ष महोदय, लेकिन हुसैनाबाद में एक डिग्री कॉलेज है, 60 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक डिग्री कॉलेज की आच्छादित हो जाएगा। वर्तमान में प्रखंडवार डिग्री महाविद्यालय खोलने का सरकार का कोई निर्णय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप क्या कह रहे हैं माननीय? वह गरीब क्षेत्र है, अति संवेदनशील इलाका है। हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बैठे हैं, इनसे हम सादर आग्रह करते हैं कि वहाँ के जो गरीब बच्चियाँ हैं, काफ़ी पिछड़े वर्ग से लोग आती हैं, और उन लोग को आने जाने में, चूँकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के जो अभिभावक हैं नहीं जाने देना चाहते हैं, और शिक्षा के अभाव में वहाँ वंचित हो जाते हैं। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि वहाँ की स्थिति देखते हुए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हरिहरगंज में कर दिया जाता तो हरिहरगंज और उसके बगल में चीपरा प्रखंड है, दोनों जगह के बच्चे लोग पढ़ाई कर सकते।